नमस्ते दोस्तों, आज हम पुलबैक एंट्री के ऊपर ही सीखने वाले हैं। कल हमने पुलबैक एंट्री की स्ट्रेंथ कैसी पहचाननी है, किस तरीके से पुलबैक एंट्री लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेंथ होती है तो हमें वहां पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, किस तरीके से वीक स्ट्रेंथ स्ट्रांग स्ट्रेंथ पहचानी जाती है, ये भी हमने सीखा। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात और क्लियर करवा देता हूँ, ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, हम सब एक साथ कवर करने वाले हैं, तो हम जो सीख रहे हैं उसके अंदर प्राइज की स्ट्रेंथ भी आने वाली है, प्राइज का वॉल्यूम भी आने वाला है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आने वाले हैं, पैटर्न भी आने वाले हैं, तो एक साथ ही हम ये सभी पॉइंट कवर कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, अगर मैं अलग अलग पॉइंट कवर करते बैठूंगा दोस्तों तो आप लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन रहेंगी, इसीलिए मैं स्ट्रेंथ के साथ वॉल्यूम भी दिखा रहा हूँ और ट्रेंड के साथ मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ट्रेंड, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, ये सब चीजें हम धीरे धीरे एक साथ सीखने वाले हैं, तो ये सभी पॉइंट हम एक साथ कवर कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको समझना है। यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आपको पुलबैक एंट्री लेनी है तो आपकी जो पुलबैक एंट्री की जो डिग्री है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 40 डिग्री के ऊपर ही होनी चाहिए। जैसे कि ये पुलबैक आया है दोस्तों, ये पुलबैक आया है, ये करेक्शन आया है, तो यहाँ पर अगर आपको पुलबैक एंट्री लेनी है ना तो वो जो करेक्शन है 40 डिग्री के ऊपर ही होना चाहिए। अगर वो 40 डिग्री से नीचे होता है तो हम वहां पर ट्रेड नहीं बनाएंगे, वो आपको ठीक तरीके से समझना है। और यहाँ पर ये 40 है दोस्तों, 35 नहीं है, यहाँ पर मैं वापस क्लियर करवा देता हूँ। वैसे ही डाउन साइड का भी रहेगा, डाउन साइड का जो पुल बैक है दोस्तों 35-40 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए, मतलब जो पुल बैक आएगा दोस्तों ऊपर की तरफ तो वो 40 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ होता है तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो बायर एक्टिवेट हो गया था उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारी कंडीशन यही है, 40 डिग्री के नीचे हमें शॉर्ट करना है, ये जो स्ट्रेंथ है 40 डिग्री के नीचे होनी चाहिए, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे टॉपिक के ऊपर जाते हैं दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। जो भी चीजें हम सीख रहे हैं दोस्तों सबके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं देख के सीखूंगा तो देख के आज तक कोई सीखा नहीं, आपको करके सीखना है, ये बात मैं वापस रिपीट करता हूँ। जब मुझे ये रिकॉर्डिंग करनी थी ना दोस्तों तब मैंने ये चार्ट निकाल लिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बना के रखा था, उठा लिया स्क्रीनशॉट और मैंने आपके सामने रख दिया। तो दोस्तों जिस दिन मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना उस दिन का ही ये चार्ट है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ और आपको चीजें समझनी है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखो दोस्तों यहां से एक करेक्शन आया, आपको ये करेक्शन दिख रहा होगा, ओके। हमारी पहली कंडीशन क्या है, मैं वापस पहले वीडियो के ऊपर जा रहा हूं दोस्तों और आपको मैं वो याद करवा दे रहा हूं कि बैरिश ट्रेंड में रेड कैंडल ज्यादा रहती है, ओके। तो यहां पर आपको बैरिश ट्रेंड में रेड कैंडल ज्यादा दिख रही है, ये दिख रही है, ओके। तो ये हमारा कंफर्मेशन यहां पर मैच हो रहा है। दूसरी बात, बैरिश ट्रेंड में रेड कैंडल की बॉडी बड़ी रहती है, यहाँ पर बैरिश ट्रेंड में रेड कैंडल की बॉडी भी बड़ी दिख रही है और वहां पर ग्रीन कैंडल कम दिख रही है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ओके। तो ये हमारे यहाँ पर ये कंडीशन मैच हो गई कि हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये बैरिश ट्रेंड है। बैरिश ट्रेंड मतलब हमें बैरिश ट्रेंड जब काउंट करना है तो हमारे ABCD जो पॉइंट है दोस्तों वो भी काउंट करने हैं, उसके बाद ही हमें मानना है कि हमारा ये बैरिश ट्रेंड है। अगर यहाँ पर बैरिश ट्रेंड होता है तो हम ये भी देखेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि वहां पर रेड कैंडल ज्यादा है, रेड कैंडल की बॉडी ज्यादा है, तो हाँ यहाँ पर रेड कैंडल भी ज्यादा है, रेड कैंडल की बॉडी भी ज्यादा है, ओके। तो उसके बाद ये मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट में ये बाउंस आया, ओके। बाउंस आने के बाद मार्केट में वापस एक करेक्शन आया, तो ये जो बैरिश ट्रेंड है ना दोस्तों, तो ये बैरिश ट्रेंड है ना दोस्तों उसके मुकाबले ये ट्रेंड छोटा ट्रेंड है,
इसको हम वीक ट्रेंड मानते हैं, इसको हम स्ट्रांग ट्रेंड मानते हैं। मैं क्या समझाना चाहता हूं दोस्तों, ठीक तरीके से समझो, ये अप ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड में आपको ग्रीन कैंडल ज्यादा दिख रही है। ओके, ग्रीन कैंडल ज्यादा है, अगर आप काउंट करते हैं तो यहां पर आपको ग्रीन कैंडल ज्यादा ही देखने को मिलेंगी रेड कैंडल से, और ग्रीन कैंडल की बॉडी भी ज्यादा है रेड कैंडल से। मैं ये आपको वापस रिपीट क्यों करवा रहा हूं दोस्तों, आपके पास से गलतियां ना हो, मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं वो चीजें आपको ठीक तरीके से समझनी है। अगर ये चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो यकीन मानो पैसे बनना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी कंडीशन है, अब ट्रेड में ग्रीन कैंडल ज्यादा रहती है, ग्रीन कैंडल की बॉडी ज्यादा रहती है और यहां पर रेड कैंडल ज्यादा दिख रही है और रेड कैंडल की बॉडी भी ज्यादा दिख रही है, इसीलिए हम इसको डाउन ट्रेंड मानते हैं, ये अप ट्रेंड मानते हैं। देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ठीक तरीके से समझना है। जब सेलर ने सेलिंग चालू की तब सेलर ने यहां से सेलिंग चालू की और सेलर यहां तक प्राइस को लेके आया और यहां पर बायर एक्टिवेट हो गया, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा। लेकिन आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, जब सेलर सेल कर रहा था तब सेलर ने यहां से लेके यहां तक प्राइस को लाने में कितना टाइम दिया। तो अगर हम यहां पर काउंट करते हैं दोस्तों और समझते हैं तो ये एक मिनट का चार्ट है, आपको यहां पर दिख रहा होगा ये एक मिनट का चार्ट है, तो मतलब ये कैंडल जो है एक मिनट की कैंडल है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये हो गई हमारा, ये हो गई हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। मतलब यहां पर 20 कैंडल बनी, मतलब 20 मिनट लगे बायर सॉरी सेलर को प्राइस को नीचे लाने में 20 मिनट लगे, ये लेवल से लेके ये लेवल तक लाने में सेलर ने 20 मिनट की ताकत लगाई। 20 मिनट की ताकत मतलब उसने ये एरिया को कवर करने में कितनी ताकत लगाई, 20 मिनट की ताकत लगाई और इतना सारा एरिया उसने जीत लिया। अगर हम बायर की बात करते हैं तो बायर ने ये एरिया जीतने में कितना टाइम लगाया, ये जो एरिया है ये एरिया जीतने में कितना टाइम लगाया, तो देखते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों यहां से बायर एक्टिवेट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20। ये भी 20 कैंडल है, ये भी 20 कैंडल है। चलो कुछ लोग बोल रहे होंगे ये भी बुल कैंडल है, तो यहां पर हम 90 कैंडल मान लेंगे और यहां पर हम 21 कैंडल मान लेंगे बायर की। कुछ लोग बोल रहे होंगे ये कैंडल रेड है तो इसको नहीं काउंट करना है, तो यहां पर हमारी 20 कैंडल हो गई और सेलर की 90 कैंडल हो गई। तो मैं यहां पर आपको क्या दिखाना चाहता हूं दोस्तों वो समझ लो, कैंडल कितनी है उसका एरिया कितना है वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो दोस्तों आपको अगर ये चीज समझ में आई, ये साइकोलॉजी समझ में आई तो आप लोग ट्रेडर बन गए, आपके पैसे बनना चालू हो गए। दोस्तों सेलर ने 20 मिनट में, हम ये 20-20 ही पकड़ लेते हैं दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं करना है मुझे कि 20 है, एक दो कैंडल इधर उधर हो सकती है, उसको जाने दो। सेलर ने 20 मिनट में इतना एरिया कवर किया और बायर ने 20 मिनट में इतना ही एरिया कवर किया। कुछ लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो कौन ज्यादा है यहां पर, लॉजिक समझ लो सर जी।
आप लोग उसका लॉजिक समझ लो, मैं क्या समझाना चाहता हूं, लॉजिक क्या है वो समझ लो, कौन ज्यादा है फिर यहां पर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, जो लोग होशियार है वो समझ गए होंगे कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं। इस तरीके से किसी ने चार्ट को देखा है, किसी ने सिखाया है आपको? तो दोस्तों यहां पर सेलर ने 20 ही मिनट लिए, 20 मिनट में इतना एरिया कवर किया, और बायर ने भी 20 ही मिनट लिए, 20 मिनट में इतना ही एरिया कवर किया। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछले मतलब पिछले एक दो वीडियो में, पिछले एक दो वीडियो पहले मैंने उदाहरण दिया था कि 700 सेलर और सॉरी 700 बायर और 1000 सेलर अगर आमने सामने आते हैं तो प्राइस क्या करेगी, उसका ये प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से चार्ट को देखना है कि यहाँ पर 700 है या 1000 है, यहाँ पर 700 है या 1000 है, क्या बायर या सेलर। मैं एक ही चीज में बार बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों के पास से वो चीज छूटे ना। पिछले जो मेंबर्स है उन्होंने गलतियां की है और वो गलती के कारण मुझे बार बार वो रिपीट करना पड़ता है, तो आप लोगों के पास से ये गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको वापस यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों, और आपको ठीक तरीके से समझना है। देखो दोस्तों, यहां से सेलर एक्टिवेट हो गया, तो ये सेलर का एरिया और ये सेलिंग यहां तक हो गई थी, ये लो है ना, यहां तक सेलर आया था बराबर, और यहां से बायर में ताकत लगाई। तो हम बायर को ग्रीन कर देते हैं क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी है, ओके। और यहां तक बायर ने ताकत लगाई, यहां तक सेलर ने ताकत लगाई। ये 20 कैंडल है, ये भी 20 कैंडल है, एक दो इधर उधर हो सकती है अगर मेरे पास से काउंटिंग में गलती हो गई है तो, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों भी समान है, हम उसको समान ही मानेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बायर ने 20 मिनट लगाए ऊपर जाने को और सेलर ने भी 20 मिनट लगाए नीचे आने को। इसका मतलब सेलर 1000 है, 1000 सेलर है और 700 बायर है, जो हमने पीछे के वीडियो में सीखा था। मैंने बोला था ना, अगर बायर के पास 700 की क्वांटिटी है, सेलर के पास 1000 की क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगी और ये करेक्शन आ जाएगा, और करेक्शन बहुत तेजी से आएगा। तो आपको यहां पर ये तेजी वाला करेक्शन भी दिख रहा है, ओके। जितना बायर को ऊपर जाने में ताकत लगानी पड़ी ना दोस्तों, मैं आपको यहां पर क्लियर करवा देता हूं, जितना बायर को ऊपर जाने में ताकत लगानी पड़ी उतना सेलर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल में ही खत्म कर दी। लॉजिक समझ लो, क्या समझाना चाहता हूं मैं। इस तरीके से आपको स्ट्रेंथ देखनी है और इस तरीके से ही चार्ट को देखना है। इस तरीके से अगर आप चार्ट को देखते हैं ना, चार्ट आपके साथ बोलने लगेगा दोस्तों। मैं खुद इस तरीके से ही चार्ट को देखता हूं। अगर हम और एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, तो आपको यहां पर और एक उदाहरण दिख रहा है दोस्तों। कौन सा उदाहरण है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये सेलर की ताकत है। यहां से सेलर ने सेलिंग चालू की, ओके, ये लो लगाया और यहां पर बायर ने बाइंग चालू की। तो सेलर ने कितनी कैंडल बनाई थी, 3, 2, 5, 6, 7, 8 कैंडल बनाई, और बायर ने कितनी कैंडल बनाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 11, मतलब 11 कैंडल बनाई। यहाँ पर टाइम किसने लिया, बायर ने ज्यादा टाइम लिया। तो चलो बायर का भी एरिया हम मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हमारे बायर का एरिया।
बायर को अगर ऊपर जाना था तो बायर ने 11 मिनट क्यों लगाए, अगर 10 में से एक निकल जाए तो कितने बाकी रहते हैं, 9। बस उस तरीके से इसको काउंट करना है दोस्तों। आपके सामने पिक्चर है, इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपको समझना है कि क्या मैं बताना चाहता हूं। आपके सामने एरिया है, आपके सामने रिजल्ट भी है और आपके सामने पिक्चर भी है। इतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वापस देखो, अपने बच्चे को दिखाओ। अगर आप बड़े हो, आपको बच्चा है, आपको छोटा भाई है, उसको दिखाओ, वो भी समझ लेगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास भी प्रैक्टिस हो ट्रेड प्लान करने की। ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ये हो गया हमारा डी पॉइंट। ओके, यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया है तो हम क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट की राह देखेंगे। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई थी लेकिन इतनी छोटी थी, हमें टाइम ही नहीं मिला यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए, तो हम रुके क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है दोस्तों वो डाउन ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट करना है। ओके, तो हमने यहाँ पर शॉर्टिंग का मन बना लिया। जैसे हम शॉर्टिंग का मन बनाएंगे तो हमें प्राइस को ऊपर आने का वेट करना है। जैसे ही प्राइस ऊपर आएगी और वहां पर हम शॉर्टिंग का सोचेंगे, तो यहाँ पर हमें दिख रही है प्राइस ऊपर आ रही है, तो हम ये प्राइस का एंगल भी देखेंगे। एंगल जो हमने पिछले वीडियो में सीखा, एंगल डिग्री, उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ हमें वीक दिख रही है, ये 40 डिग्री से कम दिख रही है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा और एक कंफर्मेशन, हमारा यहाँ पर ट्रेंड कंफर्म हो गया। ट्रेंड कंफर्म होने के बाद रेड कैंडल भी ज्यादा है, बॉडी भी ज्यादा है, मतलब ये हमारा चौथा कंफर्मेशन हो गया। चौथा कंफर्मेशन होने के बाद ये बाउंस आया, हमें यहाँ पर मालूम हो गया कि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर हम शॉर्ट ही करेंगे। और ये जो स्ट्रेंथ दिख रही है दोस्तों, ये स्ट्रेंथ भी हमारे साथ हमारे कंडीशन के साथ मैच हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमारे चार कन्फर्मेशन हमारे साथ आ गए हैं और हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बायर और सेलर का एरिया भी देखेंगे, ये सेलर का एरिया है और ये बायर का एरिया है। ओके, तो अभी ये हो गया हमारा पांचवा कन्फर्मेशन। उसके बाद हमारा छठवा कन्फर्मेशन कौन सा है, तो हमारा छठवा कन्फर्मेशन क्या रहेगा, विथ वॉल्यूम ब्रेकडाउन होना चाहिए ट्रेंड लाइन को। ये कैंडल जब ब्रेक करेगी ट्रेंड लाइन को तो उसके अंदर हमें वॉल्यूम होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से ज्यादा, ये प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। अगर यहाँ पर वॉल्यूम होता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, और ये हमने यहाँ पर शॉर्ट किया, हमारा फर्स्ट टारगेट प्रीवियस स्विंग लो, यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप में दम है तो आप दूसरा स्विंग लो भी टारगेट लगा सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ही किधर रहेगा। अगर आपके पास से ये एंट्री मिस हो जाती है तो सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना है। ये हो गया हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, ट्रेंड कन्फर्म हो गया, हम इसको क्लियर करते हैं। हम सेलर का एरिया मापेंगे, ये हो गया हमारा सेलर का एरिया, ये हो गया हमारे बायर का एरिया। तो यहाँ पर बायर ने बाइंग चालू की तो ये बायर का एरिया, यहाँ पर ये कन्फर्मेशन हो गया। यहाँ पर हमारे कौन से कन्फर्मेशन हो गए, डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया, उसके बाद रेड कैंडल ज्यादा है वो भी कन्फर्म हो गई, उसके बाद बॉडी ज्यादा है रेड कैंडल की वो भी कंफर्म हो गई, रेड कैंडल का एरिया ज्यादा है मतलब सेलर का एरिया ज्यादा है वो भी कंफर्म हो गया, उसके बाद पुलबैक एंट्री आई है और उसकी स्ट्रेंथ भी कम है वो भी कंफर्म हो गया, वॉल्यूम है हाँ अगर यहाँ पर वॉल्यूम होता है तो वो भी कंफर्म हो गया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रही है प्राइस कर दिया और यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया। इतने सारे कन्फर्मेशन मैंने आपको दे दिए दोस्तों, आपके पास से गलती होनी ही नहीं चाहिए,
और एक चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। यहां पर आपको कितनी कैंडल दिख रही है, तीन कैंडल दिख रही है। यहां पर आपको कितनी कैंडल दिख रही है, पांच कैंडल दिख रही है। पांच कैंडल का एरिया और ये तीन कैंडल का एरिया अगर हम मापते हैं दोस्तों, देखो यहां तक प्राइस नीचे आई थी, उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, ये आपको ठीक तरीके से समझना है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे फिर मैंने मेरी मर्जी से ये सब ड्रॉ किया है। यहां तक सेलर आया था, उसके बाद यहां पर बायर एक्टिवेट हो गया, तो हम यहां पर बायर का भी एरिया मापते हैं। तो यहां पर आपको दिखेगा दोस्तों कि बायर का एरिया सेलर के एरिया से कम ही है और बायर ने पांच घंटे की ताकत लगाई और सेलर ने तीन घंटे की ताकत लगाई। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि यहां पर ट्रेंड किधर है, तो दोस्तों ट्रेंड अगर कंफर्म होता है और उसके बाद ये सब कंफर्मेशन आते हैं तो ही आपको वहां पर ट्रेड लेना है। बायर सेलर की स्ट्रेंथ में यहां पर आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको यहां पर ये उदाहरण दे दिया दोस्तों। आपको अगर पीछे से ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिखता है तो आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी करना है रूल्स फॉलो करके ही करना है। अगर आपको यहां पर रूल्स फॉलो नहीं करने हैं दोस्तों तो आपको यहां पर रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा बायर का एरिया और ये हो गया हमारा सेलर का एरिया। सेलर कितने थे, चार थे और बायर कितने थे, आठ थे। आप ये भी बोल सकते हैं सेलर ने चार घंटे में बाजी जीत ली और बायर ने आठ घंटे में बाजी जीत ली, तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अगर चार आदमी दस दिन में काम पूरे करते हैं और आठ आदमी दस दिन में ही काम पूरे करते हैं तो किसकी ताकत ज्यादा है, किसके पास माल ज्यादा है, किसके पास पावर ज्यादा है, ये आप लोगों ने जब आप प्राथमिक स्कूल में थे, स्कूल में मतलब जब आप बच्चे थे तब ये सीखा होगा। वही कैलकुलेशन यहां पर आपको करना है दोस्तों। ये बच्चों जैसा कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दिया है, इस तरीके से ही आपको कैलकुलेशन करना है और इस तरीके से आपको स्ट्रेंथ देखनी है। अगर ये स्ट्रेंथ आपको समझ में आई है दोस्तों तो यहां से मैं आगे चलता हूं। देखो दोस्तों यहां पर मार्केट रेंज बाउंड था, मार्केट एक ही रेंज में था, ओके तो यहां पर हमारे कैलकुलेशन मैच नहीं होंगे तो इसको हमें छोड़ देना है, ओके ये आज का दिन है दोस्तों और आज का दिन है 16 जून, आज की तारीख है दोस्तों। तो आज की तारीख का चार्ट और आज अभी मार्केट लाइव चालू है दोस्तों, आप लोगों के सामने है, ये देखो लाइव मार्केट चालू है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने बने बनाए हुए चार्ट में आपके लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आपको उसकी समझ आ जाती है तो आप भी इस तरीके का एनालाइज कर सकते हैं। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं एक मिनट के ऊपर ही क्यों दिखा रहा हूं, तो दोस्तों आप जो चाहे वो टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज कर सकते हो, जो चाहे वो टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाके देख सकते हो, लेकिन आपकी नजर इस तरीके से होनी चाहिए, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और ये जो स्टडी है आपको इस तरीके से मैच करनी है दोस्तों। अगर हम ये रेंज बाउंड एरिया छोड़ देते हैं दोस्तों और यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से करेक्शन आया क्योंकि ये रेंज टूट गई है, तो हमारे लिए ये एरिया बन सकता है। चलो हम इसको पूरा ही पकड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा
ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, यहाँ पर हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया और यहाँ पर हम शॉर्टिंग का सोचेंगे। शॉर्टिंग का जब सोचेंगे तो हमारी ये जो कैंडल है कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैंडल है। एक 6 कैंडल ने कितना एरिया ले लिया, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आए। ये देखो दोस्तों, ये हो गई हमारी पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये 6 कैंडल हमारी यहाँ पर बन गई। तो 6 कैंडल बनते टाइम प्राइस ने मतलब सेलर ने इतना टाइम लगाया। अगर आप ये कैंडल का टाइम देखते हैं और ये कैंडल का टाइम देखते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन भी मिल जाएगा। आप टाइम के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप एरिया के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको एरिया के साथ कैलकुलेशन करना है क्योंकि एरिया के साथ कैलकुलेशन करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ भी समझ में आती है। उसके बाद आपको बायर का भी एरिया देखना है। देखो बायर ने यहाँ से बाइंग चालू की, ये हो गया बायर का एरिया। तो बायर का एरिया ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैंडल है, ये 6 कैंडल है। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे ये कैंडल क्यों नहीं पकड़ी, ये कैंडल क्यों पकड़ी बायर के एरिया में। दोस्तों यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो गया, इसलिए तो प्राइस ने यहाँ पर सस्टेन किया ना, तो यहाँ पर यहाँ से हमारा कैंडल चालू हो गया। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रेशर आया, वापस प्राइस ऊपर गई। ये इतनी छोटी छोटी चीजें आपको खुद समझनी है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कौन ज्यादा है कौन कम है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ भी दिख रही है, कौन सी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन के साथ वॉल्यूम होता है तो आप वहां पर शॉर्ट कर सकते हो। इस तरीके से ही आपको चार्ट को देखना है और इस तरीके से ही आपको चार्ट को रीड करना है। ये उदाहरण हमने देख लिया, उसके बाद आपको ये उदाहरण भी दिखा देता हूं दोस्तों, और यहां पर आपको समझ में आएगा कि आपका स्टॉप लॉस की वेट होता है। अभी देखो वही चार्ट है, हमने यहां पर कैलकुलेशन किया था, अभी हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। देखो दोस्तों सब एंगल से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं दोस्तों, मैं आपको आपके मन से कैलकुलेट नहीं करना है। ये देखो दोस्तों, यहां से सेलर ने सेलिंग की, यहां से बायर ने बाइंग की। जैसे बाइंग की तो हमने इसको हम व्हाइट कलर दे देते, हम इसको व्हाइट कलर देंगे दोस्तों, कलर चलो ओके 1 2 3 4, बहुत सारे कैंडल यहाँ पर, और यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडल है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि बायर भी, बायर की ताकत भी जितनी है उतनी सेलर की ताकत है, तो यहाँ पर हम इनके लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है और यहाँ पर सेलर की ताकत भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर बायर एक्टिवेट भी हो सकता है। तो हम ये 50-50 रिजल्ट के ऊपर एंट्री नहीं करनी है। हमें कब एंट्री करनी है वो मैंने आपको पहले बता दिया है दोस्तों। अगर हम ये पूरा ट्रेंड पकड़ते हैं, ये पूरा ट्रेंड है और ये पूरे ट्रेंड के साथ काम करते हैं, बड़े ट्रेंड के साथ, जैसे कि हमने सीखा था ये बड़ा ट्रेंड, अगर यहाँ पर आप काउंटिंग करते हैं ना दोस्तों, तो भी आपकी ये काउंटिंग ज्यादा निकलेगी और ये काउंटिंग कम निकलेगी। मैं आपको खुद करवा के देता हूं दोस्तों। चलो हम इसको मार्क ही कर लेते, यहाँ से करेक्शन आना चालू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको खाली देखना है मैं सही काउंटिंग कर रहा हूं या नहीं। अगर कोई छूट जाती है दोस्तों, सॉरी ये डबल हो गया, ये इसका पकड़ लो आप,
बहुत सारी कैंडल गिननी पड़ रही है दोस्तों, यहाँ पर 43 कैंडल है, यहाँ पर 43 कैंडल है दोस्तों, आपको याद रखना है। मैं इसको अंडो कर देता हूँ, यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ और यहाँ से वापस मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हम पहले एरिया, ये 43 कैंडल थी, इतना याद रखना है आपको। आप लोग बोल रहे होंगे कि इतना सारा देखना पड़ता है दोस्तों, आपको अगर ये आदत हो गई ना ये सब देखने की, तो आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप लोगों के लिए है, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को क्या क्या देखना चाहिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, और 47, 48, 49। और ये 50 समझ लो, इधर 50 को एक कैंडल कम है दोस्तों, अगर यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा हो जाता है गिनने में, सेलर को सेलिंग करने में और बायर को कितना टाइम लगा ऊपर जाने में, ये इस तरीके से अगर आप काउंट करते हैं दोस्तों, आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल होने चालू हो जाएंगे। ये एक मिनट का ही चार्ट है। अगर हम चलो मैं कौन सा भी एक नाम लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पर ही दिखता है मुझे तो, चलो मैंने बहुत दिनों से लूपिन को नहीं देखा है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला है उसमें। ये देखो दोस्तों, ये लूपिन का चार्ट है। ओके, कौन सा भी ले लो, बैक वाला ले लो, आगे वाला ले लो, डेली का ले लो, 15 मिनट का ले लो, कौन सा ले लू, 10 मिनट का, चलो 10 मिनट का ले लू, तो कौन सा भी चार्ट ले लो। ओके, इधर का ले लो, इधर का ले लो, पीछे का, तो चलो ये पीछे का ले लेता हूँ, कौन सा भी ले लो। आप लोग बोल रहे होंगे ये बड़ी कैंडल पकड़ के ले लिया, चलो मैं यहाँ पर, हमें ट्रेंड के साथ देखना है इसीलिए मैं बोलता हूँ, हमें अच्छा ट्रेंड दिखना चाहिए बस। ये देखो हम क्या करेंगे, पुल बैक एंट्री देखनी है हमको, तो हमें पहले यहाँ पर ट्रेंड दिखना चाहिए, ये ट्रेंड दिख रहा है। ओके, यहाँ से हमने ये छोड़ दिया इसको, यहाँ से ये पुल बैक एंट्री आ गई, ये करेक्शन आ गया। ये एरिया देखो और ये एरिया की कैंडल देखो, जब प्राइस ऊपर जाने लगी तो यहाँ पर ये स्टक हो गई, प्राइस स्टेबल हो गई, यहाँ पर हम छोड़ देंगे, हमें रैली के अंदर काम करना है। तो हम देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये कैंडल की क्वांटिटी और ये कैंडल की क्वांटिटी, ये ब्रेकआउट है आपका, लो हाई, हायर लो हायर हाई, ट्रेंड कंफर्म हो गया, उसके बाद ये ब्रेकआउट। ये कैंडल आपको गिननी है, मैं गिनते बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, आपको आंखों को दिख रहा है कौन सी कैंडल ज्यादा है। ये देखो दोस्तों, ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो, अभी बात ऐसी है, यहाँ पर यहाँ से ट्रेंड चालू हो गया है दोस्तों, तो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कैंडल बनी, 8 कैंडल ने इतना बड़ा एरिया ले लिया, यहाँ सेलर आया तो उसने कितनी कैंडल बनाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जब उसने 8 कैंडल में, मतलब ये 9 कैंडल है, यहाँ पर दो कैंडल नहीं बनी है, ये 9 कैंडल है, 9 कैंडल में इतना ही एरिया सेल किया। तो आपको समझना है कि बाजी ऊपर की है, बायर के पास ताकत ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बहुत एक्सप्लेन किया है दोस्तों। मारुति का भी चार्ट ले लेते, कौन सा भी ले लेंगे, मारुति इसको भी ले लेंगे, चलो कौन सा भी चार्ट ले लेंगे। अगर आपको सही में अच्छी प्रैक्टिस करनी है ना दोस्तों, सही में अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एंजल ब्रोकिंग में क्यों अकाउंट ओपन करना है, उसके अंदर रिप्ले का ऑप्शन है जो ट्रेडिंग व्यू में पेड सॉफ्टवेयर में मिलता है, उनके 1200-1500 रुपए कुछ चार्जेस है मंथली के, वो एंजल ब्रोकिंग में फ्री में है, एक मिनट के ऊपर भी आप रिप्ले का ऑप्शन देख सकते हैं।
रिप्ले का ऑप्शन मतलब जो मार्केट चलता है ना उस तरीके से आप रात को 10 बजे कभी भी आप मार्केट कैसा चालू हुआ था, किस तरीके से रिएक्ट हो रहा था वो देख सकते हैं शेयर कांड से। अच्छा, एंजल ब्रोकिंग में आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं वहां पर आपको डाटा भी मिलेगा, सेम इस तरीके का ही सॉफ्टवेयर है उनका, तो सॉफ्टवेयर भी मिलेगा और रिप्ले का ऑप्शन मिलेगा, ताकि आप अगर आपके पास कम टाइम है ये सब चीजें ऑब्जर्व करने को तो आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं रात को। आपको प्रैक्टिस कर करके सीखना है, आपको देख के नहीं सीखना है। जो मैं दिखा रहा हूँ आपने सीख लिया ऐसा कभी नहीं होगा, आपको करके सीखना है। तो आपको अगर करके सीखना है ना तो वहां पर करके सीखो, वो फ्री में है। एंजल ब्रोकिंग का लिंक मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, अगर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर देते हैं तो मैं आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दे दूंगा। अगर आपको सही में ट्रेडर बनना है तो अकाउंट ओपनिंग फ्री है, अकाउंट ओपनिंग के कुछ भी चार्जेस नहीं है और सबसे अच्छा ब्रोकर है, सस्ता ब्रोकर है। ओके, कौन सा भी चार्ट ले लो दोस्तों, कौन सा भी ले लो, ये देखो दोस्तों आपके सामने है, कितने बार दिखाओ आपको, ये देखो कौन सा भी चार्ट ले लो, ये देखो दोस्तों ये प्राइस ऊपर जा रही थी, ये नीचे आ गई, यहाँ पर सेलर की ताकत ज्यादा है। ओके, क्योंकि हमारा बड़ा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर बायर को ताकत लग रही है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर हम शॉर्टिंग नहीं करेंगे, उसके साथ हमारा एंगल भी देखेंगे, हमारा स्ट्रेंथ भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं वो आपको देखनी है दोस्तों, उसके साथ ही ये सब चीजें करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बड़ी कैंडल दिख रही है मतलब यहाँ पर बायर की ताकत ज्यादा हो गई, तो दोस्तों आपको ट्रेंड भी देखना है, सब रूल्स फॉलो कर करके देखना है। ओके, तो यहाँ पर बायर के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है लेकिन सेलर यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो भी आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है दोस्तों, यहाँ पर तो हमारी ट्रेंड लाइन मैच नहीं हो रही, स्ट्रेंथ भी मैच नहीं हो रहा, फिर कंडीशन भी मैच नहीं हो रही, यहाँ पर सेलर की उसको प्राइस को नीचे लाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर हमारी कंडीशन नहीं बैठ रही है, तो यहाँ पर हमारे ट्रेड के अगेंस्ट ये सेटअप बैठ रहा है, तो हम यहाँ पर काम ही नहीं करेंगे, सिंपल है। ये देखो दोस्तों ये सेटअप देखो, बायर को ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है, सेलर को दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ पर वापस बायर को दिक्कत आ रही है, कितना सेलर ने 8-10 कैंडल बनाई होंगी और बायर ने 20-25 कैंडल, 10-20 कैंडल जो भी है वो समझ लो, गिन लो कि आपको दिखाना था दोस्तों और वो आपको देखना है। देखो यहाँ से बाउंस आया, कितना कैंडल बना, ये चीजें अगर आप देखते हो दोस्तों यकीन मानो बहुत सारे लोगों को यकीन आ गया होगा। इसके साथ प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करके ही सीखना है, इतना ही कहता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।